व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्लूटाथियोन के बारे में। क्या सच में ये काले को गोरा बना देता है? क्या हमें ग्लूटाथियोन यूज करना चाहिए, और करना चाहिए तो कौन से फॉर्म में यूज करना चाहिए? तो आज के वीडियो में हम यही सब जानेंगे। तो ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज ग्लूटाथियोन, मतलब ग्लूटाथियोन होता क्या है। तो ग्लूटाथियोन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे बॉडी में से फ्री रेडिकल्स को डिस्ट्रॉय करने में मदद करता है, यहां तक के हमारे बॉडी के जो हार्मफुल टॉक्सिन्स होते हैं उसे भी बाहर निकाल फेंकता है। इसीलिए ग्लूटाथियोन को एक मास्टर एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। ग्लूटाथियोन L-cysteine, ग्लाइसिन एंड L-glutamate नाम के तीन एमिनो एसिड से मिलकर बनता है जो हमारे बॉडी के हर एक सेल में प्रेजेंट होता है। ग्लूटाथियोन हमारे बॉडी के हर एक सिस्टम के लिए बहुत ही जरूरी है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ स्किन रिलेटेड, इसके क्या बेनिफिट है, क्या सच में स्किन लाइटनिंग में हेल्प करता है, और अगर करता है तो कैसे करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्किन कलर के बारे में। तो मेलानिन नाम का एक पिगमेंट होता है जिस पर हमारा स्किन कलर डिपेंड करता है। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो मेलानिन का प्रोडक्शन जितना ज्यादा होगा हमारे बॉडी में उतना हमारा स्किन डार्कर होगा, मतलब के काला होगा, और जितना इसका प्रोडक्शन कम होगा उतना हमारा स्किन लाइटर होगा, मतलब के हमारा कलर गोरा होगा। तो ग्लूटाथियोन में एंटी मेलानोजेनिक प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे मेलानिन प्रोडक्शन को कम करता है, जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि स्किन लाइटनिंग में ग्लूटाथियोन काफी इफेक्टिव होता है। तो अब हम बात करेंगे ग्लूटाथियोन लेने का सही तरीका क्या है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ग्लूटाथियोन के इफेक्टिवनेस पर मैं पर्सनली बिलीव नहीं करता हूं, क्योंकि हाँ ग्लूटाथियोन का स्किन लाइटनिंग में इफेक्ट देखा गया है, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों में जिन्होंने इसका ओवरडोज लिया है। तो सीधी बात है, अगर आप ओवरडोज करते हो तो उसके साइड इफेक्ट्स भी बढ़ जाते हैं। और जनरली भी अगर मैं कहूं तो 100 लोगों ने अगर इसका सप्लीमेंट यूज किया है तो उसमें से मुश्किल से 10 से 12 लोगों को ही इसका रिजल्ट मिला है। एक्चुअली ग्लूटाथियोन कंपनीज इतनी मार्केटिंग कर रही है आजकल, और यही रीजन है कि इसका फेड काफी बढ़ गया है। लेकिन फिर भी अगर आपको जानना ही है तो साइंटिफिकली ग्लूटाथियोन लेने के तरीके मैं आप लोगों को बताता हूँ। ग्लूटाथियोन हम तीन तरीके से ले सकते हैं। फर्स्ट है इंट्रावीनस, मतलब कि उसमें इंजेक्शन से हमारे ब्लड स्ट्रीम में इसे डाला जाता है, जो सबसे इफेक्टिव है क्योंकि वो सीधा ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है और एब्जॉर्ब होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। तो ये अगर आप लोग लेना चाहो तो अंडर एक्सपर्ट सुपरविजन में ही लेना चाहिए, अदरवाइज डोंट ट्राई दिस। दूसरा जो तरीका है वो है टॉपिकली, मतलब कि क्रीम या सीरम फॉर्म में हम सीधा स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं, ये भी काफी हद तक इसके भी काफी बेनिफिट है। थर्ड सप्लीमेंटेशन, मतलब के ओरली हम कैसे लेते हैं, तो पाउडर फॉर्म में या टेबलेट फॉर्म में। तो दोस्तों सच बात तो ये है, टेबलेट्स जब हम लेते हैं जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है वो इतना अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। फॉर एग्जांपल हमने 1000 mg का टेबलेट डाला बॉडी में, उसका बायो अवेलेबिलिटी काफी कम होता है, वो बहुत ही कम एब्जॉर्ब करता है, बाकी का वेस्ट हो जाता है। तो दोस्तों आखिर में मैं आप लोगों को यही एडवाइस दूंगा कि ये जो तीनों तरीके मैंने बताए, इंट्रावीनस, ओरली, टॉपिकल, ये तीनों तरीके अपनाने से बेहतर है आप नेचुरली अपना ग्लूटाथियोन प्रोडक्शन बढ़ाइए। क्योंकि जब आप एक्सटर्नली लेते हो, बाहर से ग्लूटाथियोन अपनी बॉडी में डालोगे तो जो हमारा नेचुरल प्रोडक्शन है वो बंद हो जाता है, उसे नेचुरली भी बढ़ाया जा सकता है एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल अपना कर। रेगुलर एक्सरसाइज करिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए, हेल्दी फूड खाइए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाइए, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स, ये सारी चीजों से दूर रहिए, तो वैसे ही आपका ग्लूटाथियोन का प्रोडक्शन नेचुरली बूस्ट हो ही जाएगा। तो होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, ज्यादा पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना। जल्द ही मिलते हैं, गुड बाय, टेक केयर एंड खुदा हाफिज। यार ये पंखा बंद रख के करना पड़ता है शूट, तभी आवाज क्लियर रहता है, लेकिन पसीना छूट जाते हैं यार। चलो बैकअप।